हमने पढ़ लिए थे बेटे गोस की परिमिति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले पता क्या, आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, आवेश का वितरण किस प्रकार होगा। तो आज उपे में सब बच्चे हेडिंग बना लो, आवेश का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेश का वितरण, आवेश का वितरण, आवेश का वितरण, आवेश का वितरण। आवेश का वितरण, तो जो कोई चालक हो ना, कोई भी चालक हो, सुन लो ध्यान लगाकर, कोई भी चालक हो, आवेश तो ना उस पर तीन प्रकार से वितरित हो सकता होगा। कितने प्रकार से? तीन प्रकार। नंबर फर्स्ट, ये हमारा चालक हो, मान लो वैसा चालक है नहीं, चालक वो जिसमें धारा प्रवाहित हो, लेकिन मानने में क्या जा रहा है, मान लो इस चालक पर, इस चालक, ये चालक हमारा, इस पर कोई आवेश ना तीन ही प्रकार से वितरित हो सकता होगा। वितरित का मतलब वो वितरण, वितरण का मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बिखर सकता होगा। एक तो इसकी लंबाई के अनुदिश, अगर इस पर आवेश बिखरा हुआ उसकी लंबाई के अनुदिश, तो उसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। समझ में आया? अगर आवेश का वितरण हो रखा चारों तरफ, इसके पृष्ठ पर, बाहर 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 इसके पृष्ठ पर, तो उसे बोलते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। ठीक, आवेश इसके अंदर भी घुसा हुआ उसे बोलते हैं आयतन आवेश वितरण। तो बताओ आवेश का वितरण कितने प्रकार का होगा। जिस बच्चों को आवेश का वितरण पता होगा वो आवेश का घनत्व निकाल सकता होगा। तीन ही प्रकार का घनत्व होगा, एक तो बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, एक बोलते हैं फिर पृष्ठ आवेश घनत्व, फिर बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। आज समझो, तो पहले हम आवेश का वितरण समझना। तो किसी भी चालक पर जो आवेश हो वो कितने प्रकार से वितरित हो सकता होगा। हेडिंग क्या बनाई लिखो, किसी भी चालक पर, किसी भी चालक पर आवेश का वितरण तीन प्रकार से हो सकता है। किसी भी चालक पर आवेश का वितरण तीन प्रकार से हो सकता है। किसी भी चालक पर आवेश का वितरण तीन प्रकार से हो सकता है। नंबर एक, रेखीय आवेश वितरण। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण। हेडिंग बनानी पहली, रेखीय आवेश वितरण। ध्यान से सुनना, चल इधर देखो, ये हमारा चालक होगा, क्या है हमारा चालक, कंडक्टर, चालक हमारे पास मौजूद है, ये चालक मौजूद है हमारे पास। इस चालक पर जो आवेश का वितरण है ना, इस चालक पर जो आवेश का वितरण है वो उसकी ना लंबाई के अनुदिश, किसकी लंबाई। अगर किसी भी चालक पर आवेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आवेश का जो वितरण है उसकी लंबाई के अनुदिश से, तो हम ऐसे कह सकते हैं उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण। किसी भी चालक पर अगर उपस्थित आवेश का वितरण उसकी लंबाई के अनुदिश हो, उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण। हेडिंग बनाओ रेखीय आवेश वितरण, इसमें लिखो यदि किसी चालक पर आवेश का वितरण, यदि किसी चालक पर आवेश का वितरण उसकी लंबाई के अनुदिश हो, यदि किसी चालक पर आवेश का वितरण उसकी लंबाई के अनुदिश हो, यदि किसी चालक पर आवेश का वितरण उसकी लंबाई के अनुदिश हो, यदि किसी चालक पर आवेश का वितरण उसकी लंबाई के अनुदिश हो, उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। उसकी लंबाई के अनुदिश हो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। कोई प्रॉब्लम यहां तक? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ये वाला डायग्राम बनाओ, इश्क भी किया रे मौला, दर्द भी दिया रे मौला,
यूं तो खुश रहा मगर कुछ रह गया बाकी। परष्टि आवेश वितरण। मान लो ये हमारा कौन है, एक शंकु, ये हमारा शंकु, इस पर आवेश का जो वितरण हो रखा है ना, उसके पृष्ठ को रखा आवेश, देखो कैसे बिखरा हुआ, इसके पृष्ठ बिखरा हुआ, ठीक। इसमें कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, समझ लो पहले, अगर किसी भी चालक, भी चालक हमारा, किसी भी चालक पर अगर आवेश का वितरण ना उसके पृष्ठ के अनुदिश हो, किसके अनुदिश हो, तो उसे कहते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। लिखो, यदि किसी चालक पर आवेश का वितरण पृष्ठ के अनुदिश हो, किसी चालक पर आवेश का वितरण उसके पृष्ठ के अनुदिश हो, उसके पृष्ठ के अनुदिश हो, आवेश का वितरण उसके पृष्ठ के अनुदिश हो, तो उसे उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। दूसरा वाला डायग्राम बनाओ। तो उसे लिख देगा यहां तक, अब तीसरे नंबर का आयतन आवेश वितरण, तीसरे नंबर की आईडी बनाओ, आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण बेटा आईडी बना लो, ठीक। इसे बनाओ कटोरा, हो समझ लो पहले से, यानी आवेश है ना चालक के अंदर तक घुसा हुआ, आवेश नहीं मान रहा, हर जगह आवेश है सब, अंदर क्या है बाहर कहा, आवेश देखो कैसे बिखरा हुआ, भीतर भीतर तक महीन महीन तरीके से आवेश, समझे। लिखो, यदि चालक में आवेश का वितरण आयतन के अनुदिश हो, यदि चालक में आवेश का वितरण आयतन के अनुदिश हो, यदि चालक में आवेश का वितरण आयतन के अनुदिश हो, यदि चालक में आवेश का वितरण आयतन के अनुदिश हो, आयतन के अनुदिश हो, तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। स्कूल वाला लिख रही है क्या, इसे स्कूल की परिभाषा याद आएगी। ये तो वितरण था बैठे, अब वितरण की जगह सब चीज चेंज होने वाली, अब पढ़ने वाले हम आवेश का घनत्व, आवेश का घनत्व, ये भी तीन प्रकार का होगा। घनत्व यानी मनाओ आवेश का घनत्व, डेंसिटी ऑफ चार्ज, ऑफ चार्ज, डेंसिटी ऑफ
डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो जो आवेश का वितरण है ना, जिन आवेश का वितरण समझ लिया, उस आवेश का घनत्व समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी। ऐसा मत बनाना तू, मैं तो नोटंकी करने आता था, देख लो। जो आवेश का घनत्व है ना, वो तीन प्रकार का हो। नंबर फर्स्ट, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश। अभी तुमने पढ़ा था वितरण, अब घनत्व पढ़ना, बस और कुछ नहीं है। दूसरे में पढ़ेंगे हम पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। तीसरे नंबर पढ़ेंगे हम आयतन आवेश घनत्व। ये पढ़ने वाले हम, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। तो सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, समझ लो। जब हम रेखीय आवेश वितरण पढ़ रहे थे, रेखीय आवेश वितरण में क्या लिखवाया था, ये लिखवाया था जब आवेश का वितरण उसकी लंबाई, किसी चालक की लंबाई के अनुदिश हो, तो हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। लेकिन जो रेखीय आवेश घनत्व हो ना, उस हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। किस तो लैम्डा बराबर सूत्रों क्यों पोन एल, क्यों पोन। और परिभाषा ऐसा बनाने वाले, किसी चालक की एकांक लंबाई पर, एल का मान एक कर देंगे, किसी चालक की एकांक लंबाई पर जितना भी आवेश वितरित होता है, जितना भी आवेश या उपस्थित होता है, किसी चालक की एकांक लंबाई पर जितना भी आवेश उपस्थित होता है, किसी चालक की एकांक लंबाई पर जितना भी आवेश उपस्थित होता है, इसे ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल होता है। मात्रक तुम्हारे सामने निकालेंगे, आया समझ में। अब निकालेंगे यूनिट, यूनिट मतलब मात्रक। आवेश का मात्रक क्या हो, कूलाम नहीं होता, इसका मात्रक क्या हो, मीटर नहीं होता, तो कूलाम प्रति मीटर। विमा भी तुम्हारे माथे पर निकाल लेंगे, विमा, विमा देखो क्या बैठे इसकी, आवेश की विमा क्या हो, एटी, के टी नहीं, एटी। लंबाई की विमा क्या हो, एल। और सुना है प्रजा का माइनस का हो जा, एल की माइनस की वन, ए की वन और टी की वन। ये तीनों चीज़ बताओ, समझ में आई नहीं आई। पहले नंबर पर समझाई रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, ये समझाया तुम कि रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, जब चालक है ना, चालक की एकांक लंबाई पर जितना भी आवेश उपस्थित होता है, उसे ही चालक का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। चालक की एकांक लंबाई पर जितना भी आवेश उपस्थित होता है, इसे ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। इसकी विमा फलाना फलाना होती है। ओके, लिखो, हेडिंग बनाओ रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व हेडिंग बना ली। इसमें ये वाला पहले जाएगा, आप बनाओ साइड में भी लिखोगे रेखीय आवेश घनत्व। लिखो इसमें चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा। कल का टाइम ट्यूशन का बेटे 7 बजे। चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद सूत्र लिखो, मात्रा लिखो और विमा लिखो।
इस कहानी में। लिख दिया यहाँ तक हेड बनाओ परस्टैविस घनत्व। परस्टैविस घनत्व परस्टैविस इसे डिनोट करते हैं बेटे सिग्मा से। किस तो और सिग्मा बराबर सूत्रो क्यों बटा है क्यों बटा उसे कहीं से डिनोट करते हैं लैम्डा से। इसका देखो वहां उसके नीचे लंबाई जब लंबाई के अनुदिश हो आवेश का वितरण तो नीचे लंबाई आगी। जब अक्षेत्रफल के अनुदिश होगा तो नीचे क्षेत्रफल आगा। जब आयतन के अनुदिश होगा तो नीचे आयतन आगा। उसे आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। सब चीज में समाहित सब सिमिलरिटी दिखाई देगी तुम्हें समानता दिखाई देगी सबके अंदर। किसी पृष्ठ कोई पृष्ठ हमारे यहाँ पास मौजूद है या आवेश इस पृष्ठ का जब हमने मान लिया एक कितना एक मीटर स्क्वायर या एक अंक क्षेत्रफल भी कह सकते एक अंक क्षेत्रफल तो ऐसे इसे ऐसे बोल लगे एकांक क्षेत्रफल किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा ही पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित या एकत्रित या किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा ही पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे दोबारा फिर बता रहा हूं फिर सुनना स्टार्ट करूंगा। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा ही पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सही है मनो पृष्ठ आवेश घनत्व पहले लिखो सुन हाँ लिखो किसी इसमें लिखो पृष्ठ आवेश घनत्व किसी ये वाला डायग्राम बनाया था छोटा सा ही किसी पृष्ठ के एकांक अक्षेत्रफल पर उपस्थित किसी पृष्ठ के एकांक अक्षेत्रफल पर उपस्थित एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा मात्रा पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा अधन है ना ये सिग्मा मात्रक लिखो मात्रक मात्रक तो क्या बैठा का आवेश का मात्रक क्या हो कूलाम अक्षेत्रफल का मात्रक को मीटर स्क्वायर कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब क्या निकाल लेंगे बीमा आवेश का मात्रक क्या हो 80 इसका मात्रक हो L की 2 बराबर L की माइनस के 2 A की 1 और T की 1 ये बीमा बैठेगी इसकी बीमा भी लिख दो मात्रक भी लिख दो लिख दियो। अभी किसके बारे में पढ़ा पृष्ठ आवेश घनत्व के बारे में
अब हेडिंग बना लो नंबर तीन, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व। अब जो आयतन आवेश घनत्व हो उसे हम प्रदर्शित करते हैं रोस, रो पी है ना, ये पी पी का अधरंग सी मार जाएगी, पी तो ऐसा हो सही, पी ऐसा कर दो सर पी, इसका नाम हो रो, बराबर लगाकर सूत्र होगा इसका, ऊपर क्यों लिखेंगे हम, नीचे लिखेंगे वी। जब रेखा आवेश घनत्व पढ़ रहे थे तो नीचे लंबाई आई थी, क्योंकि लंबाई के अनुदिश आवेश का वितरण हो तो रेखा आवेश घनत्व कहलाएगा, अगर पृष्ठ के अनुदिश हो तो पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाएगा, आयतन के अनुदिश हो तो नीचे आयतन आगा, आयतन आवेश घनत्व कहलाएगा। यानी किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा ही आयतन आवेश घनत्व कहलाती है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा ही आयतन आवेश घनत्व कहलाती है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। खड़ा हो बैठे, क्या बता रहा, किसी चालक के एकांक आयतन में मात्रा आवेश घनत्व कहलाती है, करूंगा सही दी, खड़ा बेटे खड़ा करूंगा सही दी, आयतन आवेश घनत्व। किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित, खड़ा रहा खड़ा हो, पृष्ठावेश पढ़ रहे हम, आयतन आवेश करना तो पढ़ रहे थे, इधर आ इधर आ, आज तो यूट्यूब के सामने ही मारूंगा, इतने आराम आराम से समझाया, तेरी समझ में नहीं आ रही, चल चल इधर आ, यूट्यूब के सामने ही मारूंगा, इतने इतने आराम आराम से समझ में आया, समझ में नहीं आ रही, क्या पढ़ रहे हैं हम, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, इधर समझ में आ रहा है, चल इधर इधर क्या पढ़ रहे थे हम यहाँ, क्या था इधर इधर, अब बता क्या पढ़ रहे थे हम यहाँ, बता मुझे क्या पढ़ रहे थे, आयतन आवेश घनत्व पढ़ रहे थे, अब बता आयतन आवेश घनत्व कैसे कहते हैं, तो बता मुझे, यहाँ से किसी चालक में कि एकांक आयतन में, किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की जो मात्रा उसे उसे आवेश न आयतन आयतन आवेश घनत्व क्या, कहीं से प्रदर्शित करते हैं, सही क्या नाम बताया था इसका, झुक 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 रो, अब नहीं बोलना जिंदगी भर जा, अपनी यूट्यूब पर डालूंगा बेटे, लिखो किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित, हेडे बनाओ आयतन आवेश घनत्व, किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाती है, किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाती है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं,
इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? सूत्र लिखो यो, रो बराबर क्यू अपॉन वी। क्यू अपॉन वी मात्रक लिखो। क्यू का मतलब आवेश का मात्रक क्या हो? कूलाम। इसका मात्रक क्या हो? मीटर की क्यू। वीमा लिखो, वीमा। आवेश की मात्रक क्या हो? आवेश की मात्रा हो 80। इसकी क्या हो? एल की 3। क्या होगी वीमा? एल की 3 माइनस के 80। लिख दो सब। लिख दिया तक? कोई प्रॉब्लम? अब कॉपी मैडी मनाओ, गोश की परमे का अनुप्रयोग सुन लो पहले ध्यान से। गोश की परमे जो हम पढ़ते हैं ना, उस गोश की परमे की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं? गोश की परमे के अनुप्रयोग का मतलब है गोश की परमे की सहायता से क्या क्या किया जा सकता होगा। हैडी बनाओ, गोश की परमे का अनुप्रयोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे गोश की परमे के। गोसी परमे का अनुप्रयोग समझ में आया? किसके अनुप्रयोग? एप्लीकेशन ऑफ गोस थ्योरम, गोस के परमे का अनुप्रयोग। अब जब गोश की परमे का अनुप्रयोग पढ़ने ही वाले हैं, हमें थोड़ा ध्यान लगा सुन लेना क्या क्या समझने वाले हैं। एक वायर हमारा प्रश्न देख लो, पहला अनुप्रयोग क्या होगा? वायर मतलब तार। पहला अनुप्रयोग देखो हम क्या पढ़ने वाले, समझा रहा हूँ इधर। पहला अनुप्रयोग क्योंकि यहीं से डायरेक्ट पेपर में सवाल आया हुआ, और यहाँ देख सूत्र भी निकल गया, सूत्र हमें सीधे भी करना ठीक, जितना हो सकता समझने की कोशिश करेंगे, टाइम पड़ा हुआ। एक तार हमारे पास मौजूद है, ये तार है ना हमारे पास अनंत लंबाई का तार है। कौन सी लंबाई का? सुनूंगा फिर यहीं बुला के मारूंगा आता करना। अनंत लंबाई का तार हमारे पास मौजूद है। इस अनंत लंबाई के तार के कारण ना, इस अनंत लंबाई का तार है और गोश की परमे हम पढ़ चुके, गोश की परमे का हमें प्रयोग करना। इस अनंत लंबाई के तार के कारण, ड्यू टू ए इनफाइनाइट वायर, अनंत लंबाई के तार के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ बिंदु पी पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इस बिंदु पी पर ज्ञात करनी, नहीं ज्ञात करनी। कौन सी लंबाई का तार है? कौन सी लंबाई के तार के कारण? अनंत लंबाई का तार। क्या ज्ञात करनी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बेटे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई का नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण ज्ञात करनी? अनंत लंबाई के तार के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है गोश की परमेय की सहायता से। किसकी सहायता से? तो पेपर में सवाल का हिस्सा आएगा, तो पेपर में सवाल ऐसा आएगा कि गोश की परमेय की सहायता से, गोश की परमेय की सहायता से अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मंजन नहीं, व्यंजक, व्यंजक प्राप्त कीजिए। इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आई? पता लगा ऐसे प्रश्न आ पेपर में? तो यही तो हेडिंग हमारी, यही हमारा पहला अनुप्रयोग है। पहले वाला हेडिंग बना लो हमारी, गोश की परमेय की सहायता से
हेडिंग बनाओ कि पहला अनुप्रयोग नंबर ए लिख दो, उस पर ए बड़े वाला की, गॉस की प्रमेय की सहायता से, किसकी, गॉस की प्रमेय की सहायता से कि प्रमेय की सहायता से किसी अनंत लंबाई के, किसी अनंत लंबाई के तार के कारण गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, यही पेपर में सवाल आएगा, यही आएगा पेपर में सवाल, पेपर में क्या आएगा सवाल। कोई दिक्कत? अनंत लंबाई का तार हमारे पास, कितनी लंबाई का, ध्यान तो सुनना चाहते हो, थोड़ा इधर सेपरेट कर देते हैं, अनंत लंबाई का तार हमारे पास मौजूद है, इस समय आर दूरी पर मान लो यहाँ तक की दूरी आर, ये हमारा बिंदु P, तो इसके बाहर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, जो तार होगा ये चालक का काम नहीं करता होगा, इसमें धारा नहीं प्रवाहित होगी, जब धारा प्रवाहित होगी इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न होगा, मान लो एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है यहाँ, की कोई दिक्कत, ये क्या है हमारा वायर, वायर। तार, तार। कैसी लंबाई का, अनंत लंबाई वाला, जब अनंत लंबाई, ध्यान से सुनना, जब अनंत लंबाई का तार होगा ध्यान से, तो ये बताओ हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, गॉस की प्रमेय की सहायता से ज्ञात करनी, तो गॉस की प्रमेय कैसे प्रश्न के लिए लगेगी, क्या यहाँ बंद प्रश्न मौजूद है, खींचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बंद प्रश्न नहीं लगाओगे तब तक गॉस की प्रमेय, बंद प्रश्न नहीं बनाओगे तब तक गॉस की प्रमेय लगने वाली है नहीं, तो उसका मतलब बंद प्रश्न बनाना पड़ेगा, इसलिए बिंदु पी से ना जाता हुआ एक बेलनाकार प्रश्न खींच लेते हैं, बेलनाकार प्रश्न, बेलना ऐसा प्रश्न खींचना चाहिए हम जिसकी हमें जानकारी हो, गोला खींच के यहाँ कोई फायदा नहीं आता, ठीक, गोला खींच के लेते उससे भी आंसर आ जाता, लेकिन इतनी सुविधा ना प्राप्त होती जितनी इससे प्राप्त होगी, समझ में आया ना बात, या खींचना तो बंद प्रश्न ही, तुम यहाँ वर्ग भी बना सकोगे, मैंने वर्ग क्यों नहीं बनाया, इतनी सुविधा ना प्राप्त होती जितनी मुझे इससे प्राप्त होगी, ऐसे समझ लो, क्यों, क्योंकि जो तार हो ना, तार बहुत सारे तारों को तुम इकट्ठा कर दो तो बेलन के जैसे ही दिखाई देंगे तुम्हें, इसलिए बेलन बनाना सुविधाजनक होगा, और ये तार ही तो तार का आकार ही बेलन के जैसा हो, तो जैसा होगा उसकी आकृति ऐसी तो आकृति बनाओगे, ऐसे समझ लो, डायग्राम अच्छा ना बना ना तो टेंथ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्राइविंग और ड्राइविंग तो और ड्राइंग तो ड्राइविंग ड्राइंग और डार्लिंग तो मुझे सख्त नफरत, समझ में आया, इनसे मैं दूर रखता हूँ, इधर देख लो, कौन कह रहा, सब बस ये विद्युत क्षेत्र अभी यूट्यूब के सामने बुलाया था ना थोड़े कल, तो पता लगा ये प्रश्न की खींचा ना, क्योंकि गॉस की प्रमेय ना जो वह बंद प्रश्न के लिए लगने वाली, तो बंद प्रश्न होना जरूरी है, और जब तक बंद प्रश्न थी तब तक कुछ नहीं, पता लगा क्या निकालनी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालनी, कितनी दूरी पर, कौन से बिंदु पर, बिंदु पी ही मर गया तो दिखाई दे रहा हो, जिंदा कर दो सर, दिक्कत कुछ यहाँ तक, इसके अंदर कितने प्रश्न मौजूद हैं, तीन प्रश्न, एक प्रश्न हो रहा दूसरा ये रहा तीसरा, मैं बात लगा तुम दिखाई नहीं देते हो, आए समझ सामने तुम कितने प्रश्न दिखाई दे रहे, तीन, एक प्रश्न दो प्रश्न तीन प्रश्न, मैं इसके नीचे एक लिख, इसके सामने एक लिखना चाह रहा हूँ,
इसमें यहाँ कहीं को दो लिख देता हूँ, इसमें तीन लिख देता हूँ। अब तो दिखाई दे रहे हैं इसमें कितने प्रश्न मौजूद है, प्रश्न एक, प्रश्न दो, प्रश्न तीन। इसके इसके अंदर तो विद्युत पर लेखन गुजर रही, और जब किसी प्रश्न के अंदर से जितने विद्युत पर लेखन गुजरती हैं उसे तो विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कहते रहे इस प्रश्न का विद्युत फ्लक्स अलग होगा, इस प्रश्न का अलग होगा, इस प्रश्न का अलग होगा, और संपूर्ण प्रश्न का निकालना हो तो किसका प्रयोग कर, गॉस की प्रमेय का। किसी भी बंद प्रश्न का विद्युत फ्लक्स याद करने के लिए गॉस की प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ये सुन लो, यही काम करना, यही तो काम करना, यही तो गॉस की प्रमेय, समझे। थोड़ा थोड़ा जा रहे, थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा, मैचिंग हो रहा हो। इतना बताओ समझ में आया नहीं आया, किसकी प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हम, अनुप्रयोग पढ़ रहे। पहला अनुप्रयोग क्या पढ़ रहे, गॉस की प्रमेय की सहायता लेकर, गॉस की प्रमेय की सहायता लेकर अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे प्रदर्शित करते हैं, दिक्कत हो कुछ। हमने एक बात सुनी कि जो अक्षेत्र प्रत्येक प्रश्न ना छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना हुआ हो, प्रत्येक जो प्रश्न हो छोटे छोटे खंड से मिलकर बना हुआ हो, प्रत्येक छोटे छोटे खंड को हम अक्षेत्र पलवय कहते हैं। क्षेत्र पलवय पढ़ाया मैंने, वीडियो में देख लेना, क्या प्रूफ कॉपी में लिखवाया हुआ, लिखवाया नहीं, अक्षेत्र पलवय बी ए से डिनोट करते हैं। सर तो इतना भाग होगा यहाँ, इतना भाग ये अक्षेपल अवयव होगा, नहीं होगा, इसकी दिशा बाहर की ओर होगी। तो विद्युत यहाँ विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी बाहर की ओर ही है, इनके बीच में मुंडन थीटा जीरो डिग्री का कोण। मैं पूछने लगू तुमसे कि डीए का नाम क्या है, डीए का नाम हो अक्षेपल अवयव, दिशा कहाँ, दिशा कहाँ, दिशा किसका नाम था, आवेश, रेखीय आवेश वितरण है ना, ठीक। तो यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का और अक्षेपल अवयव के बीच में बनना कितना कोण बनना, ये भी तो प्रश्न होगा। प्रत्येक प्रश्न कितने खंडों से मिलकर बनाओ, छोटे छोटे खंडों, प्रत्येक छोटे छोटे खंडों को क्या कहते हैं, अक्षेपल अवयव किस तरह डिनोट करते हैं, डीएस। ये भी तो अक्षेपल अवयव होगा, होगा नहीं होगा, इसकी दिशा भी तो बाहर की ओर होगी, इसका नाम है डी ए, और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो इधर ही है ना, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, थीटा का मान जहां जीरो था वहां यहां 90 हो जाएगा, कोई दिक्कत। नीचे देखो, नीचे ये भी तो छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना हुआ, प्रत्येक छोटे छोटे खंड को सिपल अवयव कहते हैं। इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, यहाँ थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। प्रश्न एक और दो और तीन, क्या तुम मुझे बता सकते हो अक्षेत्रफल अवयव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य कितने कितने डिग्री कोण बनने हैं, बता सकते हो। प्रश्न सेकंड के बारे में बताओ, उसमें अक्षेत्रफल अवयव और अक्षेत्रफल अवयव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य कितने डिग्री कोण बनना है, जीरो डिग्री। प्रश्न एक में बता सकते हो, प्रश्न एक में कि वहाँ कितने अक्षेत्रफल अवयव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य कितने डिग्री कोण बनना है, प्रश्न तीन में भी 90 डिग्री कोण बनना। इस प्रश्न में विद्युत पर लेखन गुजर रही, नहीं गुजर रही, उस मतलब गुजर रही होगी फिर तो, नहीं गुजर रही। जब तुम्हें बताया था ना विद्युत फ्लक्स पढ़ाया था, वहां बताया था जो प्रश्न ना विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो उसमें तो विद्युत बल लेखा पास नहीं हो सकती, जीरो है था उसका अंतर भी, इसमें तो कोई विद्युत बल लेखा नहीं जानेगी, यकीन है तो तुम निकाल कर देख लो। जब मैं तुम्हें विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ाया था ना, जब थीटा का मान 90 रखवाया था वहां आंसर जीरो आया था, और जीरो आया था इसका ये मतलब होगा, कहा था जिस प्रश्न जो प्रश्न ना अगर विद्युत क्षेत्र इधर और प्रश्न ऐसा तो उस प्रश्न मत कोई विद्युत बल लेखा नहीं गुजर सकती, क्यों, क्योंकि प्रश्न विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित है, जब प्रश्न विद्युत क्षेत्र लंबवत स्थित होगा तो उसमें तो कोई विद्युत बल लेखा नहीं गुजरने की। बताओ पहले वाले प्रश्न में तो और तीसरे वाले प्रश्न में तो कोई विद्युत बल लेखा गुजरेगी क्या, जब विद्युत बल लेखा नहीं गुजरने की तो उसका विद्युत फ्लक्स भी नहीं होनेगा। हम कह सकते हैं पहले का और जो तीसरा प्रश्न होगा उसका विद्युत फ्लक्स कितना होगा, जीरो। पता लग गया क्यों होगा, यहाँ तक लिख रहा तुमने, ये वाला डायग्राम बना लिया तुमने, ये वाला डायग्राम बना लिया, ये वाला डायग्राम बनाओ जल्दी फटाफट, फिर मैं थ्योरी लिखवाने वाला हूँ, जल्दी वाला डायग्राम बनाओ, हेडिंग तो बना रखी होगी।
हरी अप, जल्दी करो, कल का टाइम। मैं देखा है गैरों की बाहों में सोके, क्या बताएं मजा आ गया, तू तू है मैं हूं, मेरी जा मुझसे ना हो, क्या तू अब भी वैसा है, लोग ये जैसा कहते हैं, चादर बदलती रहती है। मैं उठे मारे जग जान दा, बोली मारे मेरे लिए मरदा, कभी इस फूल दे कभी उस फूल दे, यार मेरा तितलिया वरगा, यार मेरा तितलिया वरगा। वो पता नहीं जी कौन सा नशा करती है, यार मेरा हर एक से मिलती है, चुप चुप कर बेवफाई वाले दिन चले गए, आंखों में आंखें डाल के दगा करती है। कोई दूसरा गाना बताओ, वो सुनाता हूँ, पुराना सा बताना। बारिशें आ गई चली गई, ला पिला दे, ये कोई गाना। जिस पथ पे चला, वो सुनो, कागज कलम दा मातला। उस पर रोड के बीच पड़ नाच है। अब बेटे यहाँ छोरी लिखनी पड़ेगी, बोर्ड में से नंबर नहीं मिलने, अगर बोर्ड में नंबर चाहिए ना तो छोरी लिखनी पड़ेगी। अभी थोरी रामायण जो थोरी ने आगी, और रामायण बोल रहा हूँ मैं, थ्योरी लिखो लिखो। हाँ माना माना, यहाँ तार रहता है, ओ यहाँ ये तार रहता है, मानना माना अनंत लंबाई का एक तार है, लिख ले, माना अनंत लंबाई का एक तार है, एक तार है। जिस पर प्लस क्यों आवेश स्थित है, जिस पर प्लस क्यों आवेश स्थित है, कि सजना तो दूरी हो गई, ये कैसी मज़े, क्या लिखा, प्लस क्यों आवेश स्थित था, जिस पर प्लस क्यों आवेश स्थित, लिख दिया। जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, लिख दिया। हमें बिंदु ओ से, या बिंदु ओ मान लो, हमें बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी पर हमें बिंदु ओ से आर दूरी पर हमें बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, लिख लिया। इसके लिए ज्ञात करनी, इसके लिए, इसके लिए बिंदु P से, इसके लिए बिंदु P से जाता हुआ, बिंदु P से जाता हुआ आर त्रिज्या का एक बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। बिंदु P से जाता हुआ आर त्रिज्या का एक बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं, क्योंकि वो गॉस की परिमेय बंध पृष्ठ के लिए लगती होगी ना। बिंदु P से जाता हुआ आर त्रिज्या का एक बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं, एक तरह की
जानते हो कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद क्या लिखोगे? उसके बाद लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं, किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ईडीए कोस थीटा होता है। यही तो ठीक। नीचे लिखो चूंकि दिए गए चित्र में तीन पृष्ठ हैं, कितने पृष्ठ? संपूर्ण। उसके बाद लिखो संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स बराबर फाई नेट बराबर फाई लिखो पहले पृष्ठ का लिख दो प्लस फाई लिखो दूसरे पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स लिखो फाई लिखो तीसरे पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स लिख दो। ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। ऐसा डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है क्योंकि विद्युत फ्लक्स एक प्रकार की अदिश राशि है और अदिश राशि को डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है। इतना बताओ समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत? यहाँ फाई वन का मान रखेंगे, यहाँ फाई टू का, यहाँ फाई थ्री का। जो पहला पृष्ठ होगा और तीसरा पृष्ठ होगा उसका विद्युत फ्लक्स कितना होगा? पहले पृष्ठ का और तीसरे पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कितना होगा? जी यहाँ लिखो नीचे। क्योंकि हम जानते हैं कि पहले और तीसरे पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। जानते हैं कि पहले व तीसरे पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स शून्य होगा क्योंकि पहला पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। पहला व तीसरा पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित है क्योंकि पहला व तीसरा पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित है के लंबवत स्थित है। लिख लियो। अर्थात फाई वन बराबर फाई थ्री बराबर जीरो, इनकी जगह हम जीरो लिख सकते हैं। इसका ये मतलब है। नीचे लिखो परंतु, अवंतु नहीं परंतु। दूसरे वाले भाग का विद्युत फ्लक्स कितना होगा? विद्युत फ्लक्स निकालना क्या सूत्र हो? ईडीए कोस थीटा। ईडीए मैं थीटा का मान बताओ कितना? थीटा का मान यहाँ थीटा का मान जीरो नहीं है, इसमें जीरो रख दो तो फाई सेकंड बराबर कितना बैठेगा? ई डी ए कोस जीरो। कोस जीरो का मान कितना हो? एक। सेकंड बराबर कितना बैठेगा? एक। ई डी ए बैठेगा नहीं बैठेगा? यहाँ तक बताओ किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम है यहाँ किसी बच्चे को? इसे मान लेते ई डी वाले को। समीकरण एक फाई सेकंड का मान चलाया, इतना समीकरण एक मान लो। एक काम करो सारे मान इसे भरो फाई नेट वाले में। फाई नेट बराबर इसका मान कितना? जीरो। जीरो प्लस ई डी ए
प्लस जीरो, तो फाइव नाइन बराबर ए डी ए, समीकरण एक। कोई दिक्कत? अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात पे। ये तो इसका मान हो चुका है, लेकिन गॉस की प्रमेय क्या कहती है? अगर किसी ब्रश का विद्युत फ्लक्स निकालना हो उसका क्या सूत्र हो? गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं ना, गॉस की प्रमेय से। अभी मत लिखो, समझ लो पहले, मैं भी कह रहा हूँ। गॉस की प्रमेय का सूत्र हो फाई नेट बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण दो। जो भी फाई नेट, जो भी फाई नेट, यह वाली चीज़ इस चीज़ के बराबर, ते वाली चीज़ इस चीज़ के बराबर नहीं होगी। लिखेंगे समीकरण एक बाय दो से, समीकरण एक बाय दो से, समीकरण एक दो क्या है? ए डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसका मान निकालना है? लेकिन जो डी है ना, डी है एक प्रकार का अक्षेपल है, अक्षेपल नहीं एक प्रकार का, और जो गोला है इसकी लंबाई यहाँ तक की पता कितनी? एल। कितनी? अब गोले का अक्षेपल नहीं, गोला नहीं, बेलन, बेलन का पृष्ठफल का सूत्र टू पाई आर एच, टू पाई आर एच, एच की जगह लिख देंगे एल क्योंकि उसकी लंबाई एल। कितनी उसकी लंबाई? तो डी की जगह यूज कर सकते, लिख दो E गुणा डी ए का मान कितना? टू पाई आर एल बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लिख नहीं सकते इस तरह। किसका मान निकालना है? E का, ये गुणा में जाएगा, भाग में चला जाएगा। E बराबर वन अपॉन टू पाई आर, यहाँ क्या लिखा हुआ L, यहाँ क्या लिखा हुआ एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या लिखा हुआ Q, ये तो लिखा हुआ, मतलब और कुछ लिखा हुआ क्या? यहां लिख रहा हूं ई का मान, देखो ई का मान ई बराबर बैठा है बैठे वन अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट, टू पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर इंटू में एल भी मौजूद हूँ। इतना बताओ, कोई दिक्कत है कहाँ तक? वहाँ तक बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या? और हमें थोड़ी देर पहले ना मैंने बताया था कि बेटे जो एल बराबर सूत्र, लैम्डा बराबर सूत्र हमारा क्यों अपोन एल, क्यों का मान निकाल लो यहाँ तक, लैम्डा एल बैठा का क्यों का मान उठा के यहाँ रख दो, ई बराबर वन अपोन टू पाई एप्सिल नोट इंटू एल, क्यों का मान कितना? लैम्डा एल अपॉन आर, एल सेल कैंसिल हो जाएगा, ई बराबर वन अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा अपॉन कितना आर, दो से ऊपर गुणा कर देंगे और दो से नीचे गुणा कर देंगे, ई बराबर वन अपॉन दो दूनी चार, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू लैम्डा अपॉन आर। इतना बताओ, समझ में आया नहीं यार? कोई दिक्कत? इससे बेनिफिट क्या होगा? 200 गुना कर दो, दो कट भी जाएगा। मैथमेटिक्स में खूबी हो ना, एक चीज़ को इधर इधर लिख सको, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9 गुना 10 की घात 9, उसका मान भी 9 गुना 10 की घात 9 हो ना, तो 2 लैम्डा अपॉन में कितना आर, ये सूत्र था जिसकी मुझे तलाश थी। ये तो विद्युत क्षेत्र था, गॉस की प्रमेय भी यूज होगी, और जब गॉस की प्रमेय यूज हुई यही तो गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग होगा। आया समझ में कि गॉस की प्रमेय का प्रयोग कहाँ हो? आज हम गॉस की प्रमेय का एक अनुप्रयोग पढ़ लिया, अब हम गॉस की प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग और तीसरा, अकल हम गॉस की प्रमेय के सारे अनुप्रयोग खत्म कर लेने वाले। समझ में आया? आज के लिए इतना ही, नोट कर लो।